भारत महासागर में लगभग 2 साल से सिंगापुर के कुछ जाने माने गवेषकों द्वारा अनुसंधान के दौरान एक अद्भुत प्राणी का खोज मिला है, जिसके बारे में जान के आप पूरी तरह से ताज्जुब रह जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो प्राणी और कैसे मिला इसका खोज। नमस्कार, मेरा नाम है बपन और आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट फ्यू मिनट्स। आपको जिस प्राणी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो दरअसल एक 14 पैर समृद्ध एक अद्भुत जायंट कॉकरोच है। दरअसल ये एक नया प्राणी है जिसका खोज गंभीर समुद्र तल से किया गया है। 2018 में पश्चिमी जाबा में पहली बार इसका खोज मिला था। पहले इसके बारे में गवेषकों द्वारा सिर्फ ये जाना गया था कि ये सुपर जायंट कॉकरोच आइसोपॉड प्रजाति की है। 2 साल अनुसंधान के बाद गवेषकों ने इसका नाम रखा है बैथिनमस राक्षसा, हिंदी में जिसको बैथिनमस राक्षस भी कहते हैं। भारत में इसको समुद्री तिलचट्टा भी कहते हैं। अब तक वैज्ञानिक समुदाय ने 5 महाकाय प्रजाति के बारे में जाना है, जिनमें से 2 पश्चिमी अटलांटिक में पाए जाते हैं और ये इंडोनेशिया जीनस का पहला रिकॉर्ड है। गवेषकों ने लिखा है ये बैथिनमस राक्षसा इंडो वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र में 6ठी सबसे बड़ी सुपर जायंट प्रजाति है और जीनस के सबसे बड़ी ज्ञात सदस्य में से एक है। ये लगभग लंबाई में 50 सेंटीमीटर होता है। आमतौर पर तो ये पश्चिम अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में पाए जाते हैं। ये जीव भेल और मछली जैसे मृत सामुद्रिक जानवर के अवशेष खाता है, लेकिन लंबे समय तक ये ना खाए भी रह सकते हैं। यही विशेषता जो इसे कॉकरोच के साथ साझा करता है। हाल ही में मिला ये 14 पैर समृद्ध जायंट कॉकरोच को भारत में सामुद्रिक तिलचट्टा नाम से भी पुकारा जा रहा है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।